सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग। तो अभी आज ना मैं बाहर गया था थोड़ा सा काम से, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल्स वगैरह थे, कॉलेज में भी जाना था और कहीं और भी जाना था। तो मैं बाहर गया था तो मुझको ना एक कॉल आता है अचानक से, और मेरे को ये आया है, ये FMSCI, यानी कि ये जो अपन रेस में गए थे ये उस साइड से आया है कुछ चीज़ पोस्ट पे। मैं इसका एड्रेस इसलिए छुपा दिया था। तो इसमें ऊपर ना यहाँ पे नाम लिखा है अभिषेक सिंह, ये फ्रंट कैमरा तो उल्टा ही दिख रहा है, तो इसमें नाम लिखा है अभिषेक सिंह। तो वही मुझको जो DTDC वाले थे ना, उन्होंने कॉल किया, बोले अभिषेक सिंह नाम का पार्सल है। तो मैं बोला अच्छा क्यों, तो बोले कि नाम अभिषेक सिंह लिखा है और एड्रेस मेरा लिखा हुआ है। तो मैं बोला मेरे एड्रेस है लेकिन उनका नाम है, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। अब फिर रिटर्न करवा दिया, फिर मैं बोला मैं आऊँगा चेक करूँगा तो फिर लूँगा। तो फिर उसने बोला कोई डॉक्यूमेंट है चेन्नई से है, ये चेन्नई से आया है, 600113 इसका पिन कोड है यहाँ पे, सरदार पटेल रोड। तो मैं फिर वहाँ अपना बाहर से काम निपटा के आया, और फिर उसके बाद मैं जब गया ना DTDC, तो वहाँ पे मुझको ये देखा कि FMSCI से आया है। तो मैं बोला अच्छा इसके तरफ से आया क्या, तो चलो अब इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या आया है। वैसे वहाँ पे हल्का सा मैंने खोल दिया था कि अंदर डॉक्यूमेंट ही है ना, कि कुछ और तो नहीं है चेक करने के लिए, फिर भी आपको खोल के फिर से दिखा देते हैं। तो कैसे पार्सल कुछ ऐसा आया था, यहाँ से यहाँ पे दो ठोक स्टेपलर लगा हुआ था, और एड्रेस को मैं छुपा देता हूँ। एड्रेस यहाँ पे FMSCI, एड्रेस के साथ नंबर भी है ना, और यहाँ ऊपर मैं अभिषेक सिंह लिखा हुआ था, इसका एड्रेस मैं दिखा देता हूँ। लेकिन FMSCI A25 कृष्णा टावर 50 सरदार पटेल रोड चेन्नई, ये उनका फ़ोन नंबर है। तो चलो अभी इसको हम लोग निकालते हैं बाहर, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आया है, और आपको दिखाते हैं कि FMSCI की तरफ से हमको क्या मिला है। न, 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 न। अरे यार ये निकल नहीं रहा। तो गैस आखिरकार ये मैंने निकाल लिया और एनवेलप को पलटी करके रख दिया, क्योंकि इसमें सामने मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, अभी मेरा नहीं है दूसरे का है, तो वो नंबर दिक्कत कर देगा। तो इसको खोल के देखते हैं। अभी हम लोग के पास है ये FMSCI 2022 क्लब स्पोर्ट लाइसेंस, वैलिड टिल 31 दिसंबर। तो ये अभिषेक भाई का ट्रैक लाइसेंस है, अभी 31 दिसंबर तक के वैलिड है, इसको दिखा के हम लोग कहीं भी रेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये अपना पीछे कुछ बिल वगैरह है, और इधर पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह है। तो ये मेरे फ़ोन से ट्रांजैक्शन हुआ था, पेटीएम मैंने किया था, और ये उसका GST बिल है। तो ये वाला जो लाइसेंस है ये हम लोग को मिला है, अभी तक सिर्फ हम ही लोग को मिला है ये ग्रुप में, और किसी को नहीं मिला है। तो गैस अभी तक ना मालूम पड़ा है कि अभी जितने लोग वहाँ पे हमारे ग्रुप के भी जो रेस किए थे, उन लोग को किसी को ना सर्टिफिकेट मिला है ना ये मिला, ये उनके तक पहुँचा है, नहीं मालूम ऐसा क्यों, लेकिन ये हम तक ये हम तक सबसे पहले आया है, सर्टिफिकेट भी हम तक सबसे पहले मिला है सर्टिफिकेट रेस का। अब नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये भी एक सरप्राइज़ के जैसे आ गया। तो बस क्या बोल रहा था मैं कि मेरा 200 दिन पार हो चुका है डेली व्लॉगिंग का, लेकिन अभी क्या है, अभी अचानक से एग्ज़ाम्स आ गए, 1 महीना भी नहीं बचा है मेरे लिए, 30-28 दिन हो गया होगा उतना रह गया है, और मेरा एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहा है, साल भर तो पढ़े नहीं, अभी पढ़ के पास होना है। लेकिन वही है कि डेली व्लॉगिंग भी पूरा करना है, और अभी उसको ये 30 दिन आने वाला बहुत कठिन होने वाले डेली व्लॉगिंग में मेरे लिए। 200+ हो चुका है, 210+ हो चुका है, मेरे को नहीं मालूम, इस वाले व्लॉग को मैं वो काउंट करके इस पर लिख दूंगा हैशटैग, तो ये भी एक टैग रह जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट तो करना है 365 डेज, अब देखते हैं कि कैसे होगा। तो चलो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।